हाय गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इन दोनों से। हेलो बोल दे रहे हेलो। और अभी हम लोग गए हैं लकड़ी लेने के लिए और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, जो कि पीछे दिख रहे हैं वो आ चुके थे, मतलब बहुत दिन हो गए हैं, 1 वीक होने वाले हैं। और मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। तो हमारे यहाँ ये है ना लकड़ियाँ, यहाँ पे तो यहाँ पे है लकड़ी, तो मैंने हम लेने के लिए आ रखे हैं। लोग लेके जाएंगे डंडा रॉ और मैं लेके जाऊँगी लकड़ी। मैं अभी रस्सी लेके आई थी अपने लिए। और अभी आज सैटरडे भी है, कल संडे भी है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ और आज शाम तक क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है? तो मैं लगाती हूँ अपनी लकड़ियाँ रस्सी में। चलो तो बता दी, तुम बोला दी तरफ चलो ला खड़ जाओ। तुम्हें कपड़े से जब तुम तीन एन भरा मेरे कब लगा छोड़ दूंगी। फाइनली अभी हमारी लकड़ी भी लग चुकी है रस्सी में। ये मैं लेके जाऊंगी और यहाँ पे रखे हमने 2 रॉ और ये प्रियांशु और ये उठा के लेके जाएंगे। हैं ये दोनों लेके, ये देखो प्रियांशु उठा भयंकर, अभी सबसे बड़ा उठो लागो, वेरी गुड। न यार माँ कसम। तो दोस्तों अभी मैं ये लेके जा रही हूँ ये, और ये देखो ठाट बजा रहे बेचारे ना, दर्द आई होगा। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर। और मैं पहले अपने जॉब पर गई थी, वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ना अपने कपड़े सिले, मतलब अपना एक सूट सिला, सूट नहीं उसका सलवार सिला, बस कटिंग करके रखा है सूट का, कल सिल लूँगी। तो उसके बाद हम लोग गए थे लकड़ी लेने के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपना सलवार दिखाती हूँ कैसा सिला है, बताना। यहाँ मेरा सलवार जो मैंने सिल लिया है, देख कैसे दिखाऊँ, ये रहा। और अब इसका इसके साथ का सूट रह गया सिलने के लिए, तो इसमें मैंने प्रेस व्रेस अभी कुछ नहीं कर रखा है। तो मोस्टली मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ अपने लिए, मतलब जैसे सूट सलवार वगैरह हो गया, और तो मुझे इतना टाइम लगा नहीं ना इसलिए। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सूट मैं करती हूँ कल कंप्लीट, क्योंकि सुबह से भी बिज़ी होता है इंसान, फिर घर का काम भी हो जाता है थोड़ा बहुत, खाना पीना वगैरह। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और पतिदेव भी काफ़ी टाइम पहले आ चुके थे, तो इतना टाइम लगा नहीं। तो मैं तो उस दिन इनसे सीधे मार्केट में मिली थी, क्योंकि मैं अपने जॉब से आई, फिर सीधे मेरी भी तो टाइम पर छुट्टी हो गई थी 1 बजे के करीब, तो मैं उस दिन 1 बजे निकल के आ गई थी और फिर हम लोग साथ में घर आए। तो मैंने वीडियो वैसे भी नहीं बनाई, तो अभी मैं शायद रेगुलर करूँ थोड़ा बहुत, कि जैसा भी रहता है, ठीक है? मैंने मशीन निकाल के रखा था, तो वो ऐसे ही रखा है यहाँ पे, क्योंकि फिर हम चले गए थे ना, जैसे आप लोगों ने देखा तो सलवार मैंने यहाँ पे सिल दिया। इधर भी कपड़े कपड़े हो रहे हैं थोड़ा सा, इसको समेटती हूँ मैं, फिर देखते हैं। पति देव भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से, और आज है संडे, तो हम लोग बना रहे थे यहाँ पे नाश्ता। और यहाँ पर हम लोग बना रहे आलू के पराठे, ये तो दिखाते हैं आपको कितना बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे ये बना रखे आलू के पराठे, कितने बड़े, दादी दिखा रही है, ये दिखा दी खा दी जाए, ये है। और यहाँ पे बन रहा है देखिए हेल्पर हेल्पर, ताती जोर से नहीं पाता दी, चल चल भाई। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है लिपाई पुताई, देख सकते हैं आप, हैं? क्योंकि हमारी पूजा है, क्योंकि हमारी पूजा है इसलिए हम लीप रहे हैं। आप सभी लोग पूजा
चल गाइस, यहाँ पे भाभी लीप रही है, यहाँ पे हिमान लीप रही है, किससे बोला? गोबर और मिट्टी से। हाँ, गोबर और मिट्टी से दो बार लीप दिए हैं हमने। एक यहाँ लिपा हमने, मैंने तो नहीं लिपा ना, और एक यहाँ देख सकते हैं आप, ये भी लगे हैं अपने काम पे। तो हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोगों को देख सकते हैं हम कैसे हो रहे हैं। हाँ, इन पूरा देख सकते हैं आप, मिट्टी और गोबर की सहायता से लीप रहे हैं। हेलो हाय दोस्तों, और मैं ऊपर घर में आ चुकी थी, और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी हमने लिपाई पुताई की, देखो हमें पूरा कर लिया है। इस वाले घर में होगी हमारी पूजा, तो मतलब हमारा मंदिर यहीं है घर में, तो इस और अभी हम लोगों ने सफाई भी कर ली है, तो मेरा मुंह ऐसा आ रहा कुछ, तो लिपाई की थी तो ऐसे ही हो रहा है। अभी कुछ तो मैंने पूछ लिया, अभी नहाऊंगी मैं, तो अभी हम लोग यहीं खाना पीना बनाएंगे, यहीं खा रहे हैं सब लोग, यहीं खा रहे हैं मतलब ऊपर वाले घर में, घर में आए हैं हम लोग पुराने वाले घर में। तो अभी पूजा की तैयारी चल रही है, और हस्बैंड जी लोग गए हैं मार्केट, वो मार्केट गए थे, वो कह रहे थे कि मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आता, तो हमने कहा चलो खाना आज चावल वावल यही बनेगा, तो एक पतीले में तो भात बन गया है, थोड़ा सा और बनाएंगे, कम होगा, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खाने वाले। और इनने कहा कि मैं कुछ लेके आता हूँ, पनीर वगैरह पता नहीं क्या लेके आएंगे शायद, तो अभी मैं दिखाती हूँ, सारा साफ़ हो चुका है और बाहर भी हमने सफाई कर ली है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आंगन में भी हमने पानी वानी डाल दिया, धो दिया है उसे भी, और यहाँ भी अंदर भी हमने सारा कर लिया, ये मिट्टी वाला था हमारा तो मिट्टी से अच्छा हो गया ये, और अंदर भी और इधर भी हमने क्लीन कर लिया है, बाकी ऊपर भी हो ही रखा है क्योंकि वहाँ मंदिर है, और जैसा भी रहता है फिर देखते हैं। यहाँ पे से देखो ये पानी पाइप लगा रखा ना, तो ये पानी इधर आ रहा है, ये लिपाई वाला काम ख़राब कर दे रहा सारा। फिलहाल पहले अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ, पहले नहाने के लिए अभी ये हिमानी गई है, ये हिमा नहाने के लिए जाएगी, उसके बाद मैं गर्म पानी रखती हूँ, फिर मैं भी यहीं नहा रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कपड़े मंगा रहे थे अपने नीचे से घर से, तो मैंने कहा मेरे कपड़े ले आना, मैं यहीं नहा लूँगी, और मेरा सामान भी ले आना, तो कहते ठीक है मैं ले आऊँगा, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं यहीं नहा लेती हूँ क्योंकि खाना भी यहीं है, तो फिर कब तक ऐसे रहूँगी ना, इसलिए तो चलो पहले फेस वॉश करती हूँ मैं। देखो ऐसे लग रहा था, नहीं क्या है ये, लेकिन ये मिट्टी है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी लिपाई पुताई की, ये मुंह धोने लगे, मैंने नहीं धोया अभी। हेलो गाइस, ए दीपू, हेलो भाभी, भाभी प्रणाम प्रणाम। तो अभी हमने लिपाई कर ली है इस वाले घर की, और यहाँ पे हमने ना लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी है पूजा के लिए रखने के लिए, तो खाना हमारा यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे खतान कर रखा है, और इधर को ऐसे बो रखा है बाकी। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे खाना बनाने वाले आ गए हैं, और ये काट रहे हैं यहाँ पे प्याज। दीपू, हेलो दीपू, हेलो हेलो भाभी, बोला बोला दी, हेलो दीपू बोला दी, हेलो दीपू बोल, ओ तुम बोलो मैं। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर की कटिंग हो रही है, और अभी अंदर बन रहा है भात, है ना, और यहाँ पे बनेगा चिकन सारे लोगों के लिए, इधर ही बन रहा क्योंकि सब लोगों ने सफाई सफाई की थी तब। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं नहा चुकी हूँ, मार्क्सन क्या खड़ा बीज। दोस्तों अभी फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, और अभी मैं पी रही हूँ क्या है, जूस है, नींबू का जूस है, नींबू का जूस, और यहाँ पे हमारी प्याज की कटिंग हो रही है, हमारे कुक लगे पड़े हैं खाना बनाने में, देख सकते हैं आप बहुत काम चोर कुक है। तो फाइनली अभी हम लोग वहाँ से खाना खा के आ चुके हैं, और हम जा रहे थे नीचे, मैं ऊपर ही नहाई तो मैंने अपने कपड़े इसमें रखे हैं, ले जा रही हूँ मैं नीचे धो के लेके जा रही हूँ क्योंकि फिर हम फ्री थे, तो और अभी खाना खा लिया है और चला अभी नहीं जा रहा है, आपसे नहीं चला जा रहा है, आप हटा रही है, और अभी चलते हैं नीचे, फिर मेरे को थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपना सूट सिलने वाला काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कल जैसे कि आप लोगों को दिखाया था कि पजामा मैंने सिल लिया था, तो कटिंग तो मैंने कर रखी है, बस सिलना बाकी है, और तो चलो आज थोड़ा बहुत इसके बाद में वही काम करती हूँ। दो तो बज चुके हैं, तीन चार बजे तक रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद सिलते हैं। दोस्तों फाइनली अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ, और कब के आ गई थी, मेरे कपड़े भी यहाँ पे धोने के लिए रखे हैं, मैं सिल रही थी अभी सूट, मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है, बाकी थोड़ा सा नाप लगा के सिलना है,
आधा मैंने इसको कर लिया है, बाकी पूरा सिल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। और फिलहाल मैं करती हूँ सिलाई, मैंने मशीन भी यहाँ पे रखा है, कपड़ा भी मेरा यहाँ पे है, सब चीज़ रेडी है मेरा। तो फिर आपसे सिलने के बाद प्रॉपर तरीके से फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मेरा ये सूट मैंने अभी सिल लिया है, और कैसा लग रहा है आप बताना जरूर। मैंने इसके साथ सिंपल पजामा और नॉर्मल सा शूज सिला हुआ है, और इसके साथ का है ये वाला दुपट्टा। तो ये सूट मैं परसों लेके आई थी खरीद के, मैंने सोचा कि मतलब चाहिए थोड़ा सूट लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि आई तो सिलने के लिए, जब आता है तो मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ। वैसे मैं सिलती हूँ बट मैं दिखाती नहीं हूँ, कि छोड़ो अपने आप रहता वाला सवाल है मेरा। और बाकी कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर। तो फाइनली अभी हो चुकी है शाम, और मैं बना रही हूँ रोटी कांगी, यहाँ पे चूल्हे में बना रही हूँ मैं रोटी। और यहाँ पे बैठ रखे हैं हस्बैंड जी। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और उसके बाद हम लोग खाते हैं खाना, मैं रुक गई हूँ। और अभी मैं बैठ रखी हूँ, और अभी फोन में चलाना है रोटी, देखो। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और जैसे भी आपको लगे तो बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय 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 बाय।